नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री व सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोरखी स्थित देवघर पहुंचकर विजयदशमी का पूजन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया के साथ शाही पारंपरिक लिबास में देवस्थान पहुंचे। यहां शस्त्र पूजन कर विजयदशमी का पूजन किया। यहां सिंधिया परिवार के राज पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान के साथ पूजन कराया है। सिंधिया के पहुंचने से पहले वहां उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे पहुंची थी। उन्होंने नवमी की पूजा कर कन्या भोज भी कराया था। मराठा परिवार में तिथि के आधार पर दोपहर बाद से ही दशहरा मनाया जा रहा है, जबकि पूरे शहर में दशहरे का पर्व मंगलवार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सिंधिया सुबह जय विलास पैलेस से सीधे गोरखी देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। इसके बाद में सिंधिया परिवार की छतरियों पर पहुंचे और पूर्वजों का स्मरण किया। इस अवसर पर यहां काफी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। सभी ने सिंधिया का अभिवादन किया। इससे पहले सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे देवघर पहुंची। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने मंदिर में कन्या पूजन किया एवं कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें वस्त्र प्रदान किए। हमेशा सिंधिया परिवार अपनी परंपरा के अनुसार इस त्योहार को मनाते आए हैं। यहाँ जब वह पूजन करते हैं तो राजघराने के पुरोहित उनको सारे संस्कार कराते हैं। यहाँ से निकलने के बाद सिंधिया अपने परिवार के बुजुर्ग व दिवंगत आत्माओं से आशीर्वाद लेने छत्री प्रांगण जाते हैं। इस दौरान काफी संख्या में वहाँ लोग मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से आज यहाँ राजघराने परिवार से निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूजा अर्चना की और इस पूजा अर्चना में उनके बेटे यहाँ पर महाआर्यमान भी शामिल थे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।